पति पिछले 3 सहस्त्र वर्षों से कठिन तपस्या कर रही। ओम नमः शिवाय। पर महादेव महादेव है कि वो अपनी समाधि से बाहर ही नहीं आ रहे। जो असुरों पर शीघ्र कृपा करते हैं वे भोले भंडारी ना जाने देवी की कितनी और परीक्षा लेंगे, ना जाने कितने समय तक माता पार्वती को बिना कुछ खाए पिए और तपस्या करनी होगी देवराज। ओम नमः शिवाय। और इधर दुष्ट तारकासुर का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि साधु सन्यासी सामान्य जन गृहस्थ ऋषि महर्षि यक्ष किन्नर उसका नाम तक लेने से भयभीत होने लगे हैं। उसकी छत्र छाया में असुर पनप रहे हैं देवराज। आतंक इस सीमा तक बढ़ गया है कि पृथ्वीवासियों का हम देवताओं पर से विश्वास ही उठ गया है। देवताओं को केवल स्वर्ग से भी स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है, संसार के हर प्राणी के हृदय से उनका अस्तित्व समाप्त करना होगा। जो भी मेरे अतिरिक्त किसी और की स्तुति करता दिखाई दे उसे इतना सताओ, इतना तड़पाओ, वो अपनी मुक्ति के लिए किसी देवता से नहीं अभी तो मुझसे केवल मुझसे प्रार्थना करे। तारकासुर महाराज की जय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्रों का उच्चारण और वो भी स्त्री स्वर में। कौन है ये स्त्री? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदरी? सुंदरी नहीं मूर्ख, महासुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, इसे तो हमारे साथ होना चाहिए। सत्य कहा तुमने, संग साथ ऐसा हो तो पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए। स्त्रियां आकर्षक मनमोहिनी, 3-3 नारी अब होगी हमारी। है जा दुष्टों, आगे आने का दुस्साहस मत करना, नहीं तो उचित नहीं होगा। सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे कोमल तनों में साहस भी है, पर इस निर्जन स्थान पर कर क्या रही हो तुम सब? तुम्हें तो हमारे स्वामी तारकासुर महाराज के महल में होना चाहिए। यदि तुम उन्हें प्रसन्न करोगी तो तुम्हारी भी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे वो। लौट जाओ यहाँ से, निकट आने का प्रयास मत करना, तुम्हें हमारी शक्ति का आभास नहीं है। तुमने हमारा प्रस्ताव ठुकराने का दुस्साहस किया है सुंदरियों। लगता है पाठ पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, दंड देना होगा तुम्हें। सखी, देवी हमें असुर ने चारों तरफ से घेर लिया है, हमें यहाँ से भागना होगा। Ha 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 ha
ये असुर तो देवी पार्वती के और भी निकट आते जा रहे हैं, अब हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे? हे ईश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। अनेका महारानी को दिया देवी पार्वती की रक्षा का वचन हम कैसे पूरा कर पाएंगे? देवी, तपस्या का इतना उच्च शिखर, इतनी गहन तपस्या, आप धन्य है देवी। तारकासुर के योद्धा हो तुम सब, फिर भी पराजित होकर आ गए। और वो भी एक स्त्री से। कौन है वो जिसने मेरे नाम के प्रताप को, मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया? मैं स्वयं जाऊंगा उसका सामना करने और अपने हाथों से उसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं असुर राज, इन साधारण सैनिकों की पराजय से आपकी प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं हुई है, और वैसे भी इस त्रिलोक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि आपके सामने खड़ा हो सके, और वो तो मात्र एक साधारण सी स्त्री है। लेकिन आप उस स्त्री से युद्ध कर उसकी प्रतिष्ठा में क्यों वृद्धि करना चाहते हैं? और वैसे भी वो तो शिव की तपस्या कर रही है, और शिव पहले ही संसार से विरक्त हो चुके हैं। ना वो उसकी प्रार्थना सुनेंगे, ना वो उससे प्रसन्न होंगे, और ना ही कोई वरदान देंगे। सही कह रही हो तुम। वो भला मुझे क्या हानि पहुंचा सकती है? करने दो उसे जो भी करना है। किसी स्त्री में इतनी शक्ति कहां जो मेरा सामना कर सके? अत्यधिक आत्मविश्वास और अभिमान ही इसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। पर कब देवर्षि, कब देवी पार्वती इतने समय से तपस्या कर रही हैं? उनका तपोबल इतना बढ़ गया है कि राक्षस सहन नहीं कर पा रहे हैं। इतने समय से केवल वायु पे जीवित हैं। अब और उनकी कितनी परीक्षा लेंगे महादेव? ऐसा नहीं था कि देवी पार्वती एक कठिन परीक्षा कर रही थी और महादेव आनंद में लीन थे। वो भी उतनी ही असाध्य तपस्या कर रहे थे ताकि वो अपने हृदय से पुरानी बातों को मिटा पाए और निष्पक्ष होकर देवी पार्वती की परीक्षा ले पाए। फिर वो समय आ ही गया। देवी पार्वती गंगा किनारे स्नान करने पहुंची। बचाओ, 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 मेरी रक्षा करो।
बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रक्षा करो मेरी कोई, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। माँ, मुझे बचा लो मुझे माँ, बचा लो। मुझे इस बालक की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा क्या अंतर रह जाएगा इस मगर की क्रूरता में और मेरी तपस्या में। ये तो बहुत ही अनोखी परीक्षा है देवराज। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ अग्निदेव, कि इसका क्या परिणाम होगा। प्रभु, ये परीक्षा तो विचित्र भी है और कठिन भी। मुझे बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। प्रश्न ही नहीं उठता, तुम जाओ कन्या, प्रकृति के नियम में बाधा मत बनो। परंतु ये छोटा सा बालक है, अभी तो इसका जीवन आरंभ भी नहीं हुआ। इतनी शीघ्र इसके प्राण मत लो, जाने दो इसे। अपनी भूख मिटाना मेरा अधिकार है कन्या, और ये मेरा आहार है। इसे जीवित छोड़कर अपने प्राण संकट में नहीं डालूंगा मैं। यदि तुम्हारा भूख मिटाना तुम्हारा अधिकार है, तो इस बालक का जीवन उसका अधिकार है, और इसीलिए इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। ये क्या कह रही हैं आम देवी? यदि इस बालक को बचाने का एकमात्र यही उपाय है, तो हम स्वयं को मकराज का आहार बनने के लिए समर्पित कर देंगी। पर आपको अपने प्राण संकट में नहीं डालने देंगी देवी। नहीं, तुम दोनों पहले ही अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर चुकी हो, अब मैं तुम्हारा जीवन नहीं छीनूंगी। ये मेरा निर्णय है। आओ मकरराज, इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। कहां इस बालक का स्वादिष्ट कोमल मांस, और कहां तुम्हारा अस्थियों का ढेर। तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है कन्या। फिर भी यदि तुम सचमुच इस बालक की प्राण रक्षा करना चाहती हो, तो अपने तप का फल मुझे दे दो। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती मकर? अगर तप का फल पाने का इतना ही मन है, तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते तप? किसी और के तप का फल पाने की इच्छा करना अनुचित है। और वैसे भी तुम्हें इन सब की क्या आवश्यकता है मकरराज? मानव योनि पाने की आवश्यकता तो हर जीव को होती है, और इसके तप के फल से मुझे वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। बोलो कन्या, क्या इस बालक के प्राण बचाने के लिए तुम ये त्याग करने को तत्पर हो? हे प्रभु, यदि इन्होंने मना कर दिया तो ये महादेव की परीक्षा में सफल नहीं होंगी, और यदि इन्होंने हाँ कह दिया तो इनके 3,000 वर्षों की कठिन तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। सोच रही हैं आप देवी? और वैसे भी इसमें विचार करने योग्य है ही क्या देवी?
आपने काफी समय से वायु पे जीवन बिताया है। कठिनतम चुनौतियों का सामना करके ये दुर्लभ तप किया है आपने। इतने कष्ट से है, इतनी प्रतीक्षा की, क्या इसलिए कि अपने सारे तपस्या का फल इस मकर को दान दे दे? माँ मेरी रक्षा करो, माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। माँ पर मैं इस नन्हे से बालक को प्राण गवाते हुए भी नहीं देख सकती। तुम दोनों खुद ही सोचो, यदि ये बालक की मृत्यु हो गई तो क्या महादेव उससे प्रसन्न होंगे? और महादेव ही क्यों, मैं स्वयं ये जानकर सुखी रह पाऊंगी कि एक निर्दोष बालक के प्राण बचा सकती थी, परंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैंने वो अवसर भी गवा दिया और इस निर्दोष बालक को मृत्यु के मुख में जाने दिया। नहीं पर देवी, साधना के जिस उच्च स्तर पर आप हैं, वहां तक पहुंचने के लिए 3 सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की है आपने। वो तो मैं फिर से भी कर सकती हूँ जया, परंतु अपने नेत्रों के सामने एक निर्दोष बालक की मृत्यु नहीं होने दे सकती। इस बालक को बचाने के लिए मैं अपने तप का संपूर्ण फल सहर्ष त्यागने को तैयार हूँ। पार्वती, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने तप का पुण्य देवी, बालक कहाँ गया और मगरमच्छ कहाँ गया? बधाई हो महादेव। देवी पार्वती आपकी परीक्षा में सफल हुई। बधाई हो प्रभु, बहुत बहुत बधाई हो। सखा, अब आप उनकी प्रतीक्षा का अंत कर उन्हें दर्शन दे दीजिए। सखा, अभी केवल वो अपनी पहली परीक्षा में ही सफल हुई। पहली परीक्षा? आपका अर्थ है कि आप उनकी और भी परीक्षाएं लेने वाले हैं महादेव? यदि प्रभु माता की इसी प्रकार परीक्षा लेते रहेंगे तो इनके मिलन में और सहस्त्र वर्ष बीत जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनके पुत्र के आगमन से पूर्व ही तारकासुर सृष्टि का विनाश कर दे।